जब थोड़ी राहत देखने को मिल रही है, कोरोना मामलों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,874 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सक्रिय मामले घटकर 49,015 रह गए हैं। हालांकि कोरोना के मामलों में गिरावट के बावजूद बीते 24 घंटे में 25 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,533 हो गई है। वहीं भले ही देश में कोविड के नए मामलों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जिनके हालात डराने वाले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में आए 5,874 नए कोरोना केसेस में से 3,193 केस सिर्फ 5 राज्यों में हैं। ये कुल आंकड़ों का 54% से ज्यादा है। पहला राज्य केरल है, यहाँ 1,159 नए केस मिले हैं और फिलहाल यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 11,123 है। इसके बाद नंबर आता है राजधानी दिल्ली का, यहाँ बीते दिन 564 नए केस सामने आए और एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 3,440 हो गई। वहीं हरियाणा में 5,019 नए केस आए हैं और यहाँ 3,965 एक्टिव केस हैं, जबकि महाराष्ट्र में 489 नए केस मिले और यहाँ 4,079 एक्टिव केस हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 462 नए केस मिले और एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,981 हो गई। ऐसे में इन 5 राज्यों में सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए Zee Media।